Prithi. He had to lie about his job because it was a dangerous one. मैंने चाहता था कि तुम लोगों की जिंदगी मेरी वजह से खतरे में पड़े. But I failed. And I'm so sorry. No, Dad. You didn't. You're the coolest dad in the world. पिक एनी सॉन्ग इन द वर्ल्ड. मैं कुछ भी बजा सकता हूँ. पूरे रास्ते कान फाड़ने का इरादा है क्या? बाबा प्लीज बताओ ना. सारे जहाँ से अच्छा. ये कौन सा गाना है? फिल्म का सॉन्ग बताओ ना. फिल्म का ठीक है. महबूबा 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 गुलशन में गुल. कौन सा गाना है? बाहर नहीं पूछना किसी से. हंसेंगे सबके सब. शोले फिल्म का गाना है. मैं सेनोरिटा बजा. जोर से मत फूंक, पीछे से हवा निकल जाएगी. Look into my eyes. There is no pain. No pain. No. No pain? I want to talk to your sister. Go. Chalo. How are you feeling now? I killed a human being. You killed a terrorist. Prithi. Kalyan, aka Salman, was a terrorist. He was brainwashed and recruited to kill innocent people. Stop feeling guilty. You're very brave. और वो जिंदा है. शीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकवर होते ही जेल भेजा जाएगा. सो ऑल दिस इयर्स यू लाइड अबाउट योर जॉब. प्रीति, ही हैड टू लाई अबाउट हिज जॉब बिकॉज इट वाज अ डेंजरस वन. तुम दोनों बहुत छोटे थे ये सब समझ पाने के लिए. सो वी डिसाइडेड टू कीप इट अ सीक्रेट till you got older. I wanted to protect you guys. Maine chahta tha ki tum logo ki zindagi meri wajah se khatre mein pade. But I failed. And I'm so sorry. No, Dad. You didn't. You're the coolest dad in the world. Doctor ne kya kaha? Dhriti ke experience ke baad counseling shuru karni hogi immediately. Usne धृति के साथ मतलब किसी और तरीके की जोर जबरदस्ती तो नहीं की? नो नो नॉट एट ऑल. थैंक गॉड. वो सच में जिंदा है. हाँ? वही वो कल्याण सलमान. तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड एक डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करे. यू वांटेड हिम टू डू अ कन्वेंशनल जॉब. पर जैसे ही श्रीकांत ने कॉर्पोरेट जॉब लिया तुमने अपना जॉब छोड़ दिया. मैं बच्चों के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती थी इसीलिए. एंड यू श्रीकांत, जॉब बदलने में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा ना. उसमें अडेप्ट करने के लिए दिक्कतें आई थी? नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ. आई एम ऑलराइट. फिलहाल ये डिस्कशन को साइड में रखते हैं. लेट्स डू अ सिंपल एक्सरसाइज. ओके श्रीकांत, तुम 5 चीज़ें बताओ फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टू सुचित्रा. 5 चीज़. मैं मतलब सूची में 5 ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई रियली एडमायर. मतलब लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि बच्चों को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होने देती है. एंड She was a very good Bharatnatyam dancer. Bharatnatyam बहुत अच्छा करती है. Right? And sambar. Sambar तो मतलब बहुत ही कमाल का बना. And rasam. Yeah. Sambar और रसम को गिनो तो भी चार ही हुआ है श्री. All of a sudden पूछा तुम, मतलब विश शो खेलने आया तो बता देती ना. प्रिपेयर करके आता मैं यार. ओके श्रीकांत, रिलैक्स. नाउ योर टर्न. ही इज अ ग्रेट डैड. बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी है. ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर.
वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है एंड ड्रॉप ऑफ द हैट झूठ भी बोल लेते हैं. ओके नाउ हाउ फिजिकली इंटीमेट यू टू आर, एज इन हाउ ऑफन, हाउ ऑफन व्हाट? I mean to ask how physically intimate you are in life, you know, generally. Are you asking how many times we have sex? Physical intimacy is just not about sex. It's much more. It's an indicator of your emotional bond. Holding hands, office jaate waqt, hugs and kisses, cuddling. These are quite personal details, yeah. Shrikant, stop looking at sex as a taboo subject. You should be able to talk openly about it. मजाक बना के रखा है यार, दिस सो चाइल्डिश. इससे अच्छा बेहतर एडवाइस तो फोन पे सर्च मारूंगा मिल जाएगा मुझे. मिस्टर श्रीकांत, यू कैन बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज, बट यू कैन नॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम. ये कोट भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें. मैंने नहीं कहा ये कोट मेरा है. मुझे भी कोट आता है. इफ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी. ना बहन चुप. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. डर के आगे जीत है. जो जीता वही सिकंदर. इसके माँ का बहुत सड़ा. सुचिता, इससे अच्छा ये वी आर पेइंग फॉर दिस कोर्ट. फक इट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. शिक, फ्रॉड है ये. अब तुम सिर्फ वो सुनोगे जो मैं बोल रहा हूँ. जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करोगे. तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे और 3 वीक्स की हॉलीडे दिलाओगे. चुप. कोई हॉलीडे नहीं. स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है. पा, यू कांट गेट अप इन द मिडल ऑफ दिस. आई वाज टेकिंग यू इनटू अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. डीप स्टेट हो गया, ठीक है. अभी मैं अलर्ट स्टेट में हूँ, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी. यू शुड नो दैट पेरेंट्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन एंड देयर नेचुरल टैलेंट्स. अच्छा, बात नहीं बच्ची, बहुत अच्छा किया, गुड जॉब. तुझ पे मेरी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं. तू ही मेरा नाम रोशन करेगा. अभी जब आएंगे ना फिर से करेंगे. ओके चल, अब मुझे पैकिंग करने दे. यू आर सपोज टू सेंड मी दैट रिपोर्ट लाइक 5 आवर्स अगो. व्हाट? दिमाग खराब है मेरा. जस्ट लेट मी, यू नो. Excuse me? Then, yeah, please, let me alone. My conference room? Now, follow me. Listen, I won't mince my words. Tumhe ye naukri sirf apne bhai ki wajah se mili. And I try to respect your age. There is certain order in this office. I cannot tolerate. Oh, sorry. Kya? Bas bahut ho gaya tera. Yahan ke dimag ki tahi karta rehta hai. Nobody. कुछ बोल मत. एक मारे मुंह खोल. नो बट यू कांट. ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी मुझे. क्या बोला था? I quit. Security! Security! अरे क्या इमरजेंसी आ गया यार तेरे को? सुन ना, लंच के लिए मिलते हैं, पैसा मैं दूंगा. अरे मैं अभी चेन्नई में हूँ, एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ. क्या यार, मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ. चल सुन 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 सुन, बता ना क्या हो रहा है उधर. यार हम एक सस्पेक्ट को सेफ हाउस लेकर जाने वाले थे. मोसड़ी वाले ने हमारे ऑफिसर्स को भी मार दिया और 2 हॉस्टेजेस को लेकर एक कमरे में बंद है. तेरे साथ कौन कौन है? लोकल टास्क ऑफिसर्स हैं. और सब्जेक्ट कौन है? यार मैं तेरे को डिटेल्स नहीं डाइवर्ज कर सकता यार. भोसड़ी के मुझे नहीं बताएगा. सुब्रमण्यन पलनीवेल. श्रीलंकन तमिल रेबल्स याद है? बहन आ रही है राखी में. क्या क्या बक क्या रहे तू? चल यार मैं बाद में बात करता हूँ. एनएससी को नहीं बुला सकते क्या? नहीं यार, कुलकर्णी क्लियर था. टोटली ऑफ द बुक्स. न्यूज लीक नहीं हो सकती है यार. डायरेक्ट दिल्ली से ऑर्डर्स है. एनएसए या पीएमओ शायद इन्वॉल्व्ड है. ब्रैड, नो नो, आई विल बी सेंडिंग दोस टीपीएस रिपोर्ट्स. या टू एंड्रूज. आई विल आल्सो बी चेंजिंग द फॉन्ट कलर. या टू बैक टू ब्लू. एंड आई विल बी एडिंग सम कलरफुल स्टफ. तू चुतिया हो गया क्या? बड़बड़ किए जा रहे हैं तू जब से. मेरा मैनेजर आ गया था. हां बता ना.
यार वो सुब्बू साला मदरचोद नेगोशिएट भी नहीं करना चाहता है। I'll call you later, okay? Don't call back, साले तू एसी में मजे मार। Bye चल पड़े। Bye. Weren't you just talking to Brad? Yes, I was. Then I switched call. So personal call, huh? Sort of, semi-personal. Remember, Shrikant, don't be a minimum guy. Okay? Good. हाँ, कोई अपडेट? सुबह कुछ बोला? अरे सॉरी सर, आपको मैं अर्ली अपडेट देना तो भूल ही गया ना सर, सॉरी। ओए सरकाजम अपनी गांड में डाल, समझ गया? अबे साले तेरे को ना फोमो हो गया है। फियर ऑफ मिसिंग आउट अंकल। तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आइडिया आया था, सोचा दे दूँ, नहीं चाहिए तो ठीक है, समझ गया? फोमो लो रोफ लो, गांड मिल ले लो। जेके आई थे दोस्तों। चल बता। चेलम। ये चेलम कौन है? तुझे चेलम नहीं पता? अरे बच्चन जी, मेरा केबीसी गेम थोड़ा वीक है, पर अभी मैं एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। चेलम वो लेजेंडरी एजेंट है who used to run missions in Sri Lanka during the civil war and I think his close friend is Bhaskaran। ये जो अपना करंट रॉ चीफ है, चेलम उसका मेंटर हुआ करता था। शर्मा को बोल के फोन करे, चेलम रिटायर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हैं, सच? नहीं झूठ, कहानी बेचने के लिए बता रहा हूँ तुझे, जो बोल रहा हूँ वो कर।